HBN News. को तीन नाफिज किया, मसला वही, दीन वही। ये तो एक खलीफा ने एक बीमारी को खत्म करने के लिए उसको लागू किया, लेकिन असल मसला यही है कि अगर कोई तीन तलाक एक मजलिस में दे देता है, वो तीन तीन नहीं गर्दानी जाएंगी, वो एक गर्दानी जाएंगी। आइए जरा गौर करते हैं कि एक मजलिस में तीन तलाक देने के बाद वो कौन से नताइज हैं जो माशरे में पैदा हो रहे हैं, वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमें नजर आ रही हैं। इंसान किसी बात पर बेगम से नाराज होता है, फिर बाहर से आता है गुस्से के अंदर, ये बिचारी बैठी भी रोटी पका रही है, हंडिया पका रही है, इसके बच्चों के कपड़े धो रही है, और वो गुस्से से भरा हुआ आता है, तलाक तलाक तलाक। अब जब अकल ठिकाने आती है, गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होता है, तो याद पड़ता है मेरे तो चार बच्चे हैं, याद पड़ता है मैंने तो हक महर के अंदर इसको 12 तोले सोना लिख कर दिया हुआ है। फिर वो जब सारी बातें आइंदा के मसाइल सामने आते हैं, अब फिर ये या तो झूठ बोलता है, या फिर मजनून और पागल बनने का बहाना करता है, या होशो हवास खो बैठने का बहाना करता है। और जब कुछ भी बहाना नहीं चलता, मौलवी साहब के पास जाता है, मौलवी साहब मैंने गुस्से में अपनी बेगम को तीन तलाक दे दी। भाई कोई प्यार में भी तलाक देता है? तलाक तो होती ही गुस्से में, बड़े गुस्से में मैंने तीन तलाक दे दी। मौलवी साहब कहते हैं बस हो गई फिर तीन? कहा जी फिर अब क्या करूं? कहा क्या करना, हलाला करवाना पड़ेगा। ये हलाला क्या है? कहा एक रात के लिए इस गैरतमंद बीवी को एक रात के लिए किसी और के रास्ते में, किसी और के बिस्तर पे पहुंचा दे, वो रात इसके साथ गुजारे और सुबह ये वापिस तेरे पास आ जाए। कहा जी किससे करवाऊं? कहा किसी शरीफ से, मौलवी साहब से, सूफी साहब से, मिस्कीन सा आदमी हो, आज ले ले कल दे दे, पक्का ना हो जाए, वादे का पाबंद रहे, उसको दे। को जी फिर इतनी सिफतें तो आप ही के अंदर हैं, आप ही ये कश्ती पार लगा दें। फिर बेगैरती के रास्ते खुलते हैं, फिर बेहयाई के दरवाजे खुलते हैं, फिर हरामकारी और सिनाकारी के दरवाजे खुलते हैं। फिर एक बाइज्जत औरत, बागैरत औरत के मुंह को जब हराम का खून लग जाता है, वो अच्छी भली घर में बसने वाली बाइज्जत औरत, बागैरत औरत फिर हमेशा के लिए बदकारी को आदत बना लेती है, और सारा सवाब का खाता इस मौलवी के खाते में पहुंचता है। आइए जरा सोचिए यह हलाला क्या है और जुर्म किसका है? तलाक किसने दी थी शोहर में? गुस्सा किससे आया था? शोहर को। तलाक शोहर ने दी, गुस्सा शोहर को आया, गलती किसकी? शोहर की। सजा किसको मिल रही है? भाई गलती तेरी है, गुस्सा तुझे आया, तलाक तूने दी, तू अपना हलाला करवा, इसका क्यों करवाता? इस गरीब को तो घर में बैठी तेरे बच्चों को पाल रही है, ये हलाला क्या है? बेगैरती का कड़वा घूंट है। ये हलाला क्या है? बदमाशी का खुफिया रास्ता है। ये हलाला क्या है? जुब्बे और दस्तार और दाढ़ी के नीचे बदकारी का अड्डा है, जहां से अच्छी भली बाइज्जत औरत किसी और मर्द के साथ एक रात या दो रातें या चंद रातों के लिए उसके साथ निकाह मशरूत किया जाता है कि आज ले ले और कल छोड़ दे।